हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको एक पत्तियों के बारे में बताऊंगी। यह पत्तियां आपके पौधों के लिए, आपके सेहत के लिए और आपके त्वचा के लिए बहुत गुणदायक है। यह है सहजन के पत्तियां, यानी कि ड्रमस्टिक लीव्स। इसे मुरिंगा भी कहते हैं। इसमें बहुत सारी मात्रा में पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम के गुण पाए जाते हैं। इस पत्तियों से आज मैं आपको एक लिक्विड फर्टिलाइजर, एक स्वादिष्ट सब्जी और आपके त्वचा के लिए एक फेस पैक किस तरह से तैयार करना है ये बताऊंगी। चलिए अब आपको इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को किस तरह से बनाते हैं ये बताती हूँ। आपको इस पत्तियों को पानी के साथ मिक्सर में पीस लेना है। देखिए इस तरह से। अब आपको एक चलनी के मदद से इसे छान लेना है। इसे पानी के साथ डाइल्यूट करके एक स्प्रे बॉटल में भर के हर पौधों पर डालना है। हर 15 दिन में यह फर्टिलाइजर को पौधों में डालने से आपका पौधा हरा भरा रहता है। चलिए अब मैं आपको इस पत्तियों से सब्जी किस तरह से बनाते हैं ये बताती हूँ। इसके लिए आपको दाल, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, नमक, नारियल, प्याज, टमाटर और पत्तियाँ लेना है। इस पत्तियों को आपको एक एक करके अलग करना है। इसके लिए एक आसान तरीका है, ये देखिए मैं इस तरह से करती हूँ। आपको इस कप में 1/4 कप दाल प्रेशर कुकर में 3 या 4 सीटी में पकाना है। अब आपको नारियल को अच्छी तरह से पीस लेना है। इसमें थोड़ा सा प्याज और 1 स्पून जीरा मिला के पीसना है। ये देखिए मैंने नारियल को पीस के दाल को पका के पत्तियों को साफ करके और टमाटर को काट के रखा है। इसके लिए मैंने एक मिट्टी का बर्तन लिया है। आपको कोई भी बर्तन ले सकते हैं। मिट्टी का बर्तन गर्म होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है।
अब हम इसमें पका के रखा हुआ दाल डाल देंगे। अब इसमें हम पत्तियाँ डाल देंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। इस ग्लास में एक ग्लास पानी डाला है। एक चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, अब इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। बंद करके 2 मिनट के लिए आपको इसे पकाना है। अब इसमें हम नमक डालेंगे। आपको आपके स्वाद अनुसार नमक डालना है। टमाटर, मैंने यहाँ 2 टमाटर डाला है। अच्छी तरह मिक्स करना है और बंद करके 2 मिनट वापस पकाना है। अब मैंने इसमें पीस के रखा हुआ नारियल का पेस्ट डाला है। अच्छी तरह मिक्स करना है। और बंद करके 5 मिनट तक पकाना है। आपका सब्जी तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम तड़का देंगे। इसके लिए मैंने नारियल का तेल लिया है, कटी हुई प्याज, राई, कड़ी पत्ता और 2 सूखी हुई मिर्ची। मैंने यहाँ 2 स्पून तेल लिया है। तेल गरम होना है।
अब इसमें राई डालेंगे। सूखी मिर्ची, कड़ी पत्ता, और प्याज। हमें इसे अच्छी तरह हिलाना है जब तक प्याज ब्राउन हो। ये देखिए प्याज एकदम ब्राउन कलर हो गया है। अब हम फ्लेम बंद करके ये तड़का को सब्जी में डाल देंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और एक सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। ये देखिए टेस्टी और हेल्थी करी तैयार है। आप इसे चावल के साथ या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। चलिए अब हम इस पत्तियों से एक स्किन वाइटनिंग और ग्लोइंग फेस पैक तैयार करते हैं। आपको इस पत्तियों को अच्छी तरह साफ करके पानी या रोज वाटर के साथ मिक्सर में एक पेस्ट फॉर्म में पीसना है। देखिए इस तरह। अब हम इसमें एक स्पून राइस पाउडर, और एक स्पून हनी डाल के अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें रोज वाटर डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए इसका कंसिस्टेंसी इस तरह होना चाहिए। मैंने और आधा चम्मच राइस पाउडर इसमें मिक्स किया है। अब मैं आपको मेरे हाथ में अप्लाई करके बताती हूँ। आपको इसे आधा घंटे तक सूखने के लिए रखना है। ये देखिए मैंने आधा घंटे तक रखा है। अभी आपको मैं पानी से मेरे हाथ साफ करके बताती हूँ। मेरे दोनों हाथों के फर्क देखिए। मैं आपको लाइट के नीचे दिखाती हूँ। ये देखिए
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।